हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर बीएससी बीएड का पेपर डालिए मैथ्स ग्रुप का। तो मैं आपको 2019 का एंट्रेंस पेपर डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी बीएससी बीएड्स का मैथ ग्रुप का पेपर डाल रहा हूँ। काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे यह पेपर मंगवाया है और स्कैन करवाया है, तो काफ़ी टाइम लगा तो इसलिए थोड़ी देर हो गई। तो शुरू करते हैं, तो यह इस वीडियो में हम पेपर जल्दी से रिकॉल करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो बीएससी बीएड का यह पेपर है, आप देख सकते हैं बीएससी बीएड का है, मैथ्स ग्रुप का है, 2019 का यह पेपर है। तो क्वेश्चन है कि ए बराबर, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, कॉस थीटा अपन माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और इसमें लिमिट लगाई गई है। तो यह क्वेश्चन पेपर देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है, एंट्रेंस पेपर आता है, उस प्रकार से आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये हम लोग 11th 12th में पढ़ते थे। अब पता नहीं है कि अभी कोर्स में किस क्लास में ये हैं, ये हम लोग 11th 12th क्लास में पढ़ते थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए रहते थे 5th या 6th चैप्टर में। तो एक क्वेश्चन है, ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज ए स्क्वायर माइनस ए प्लस टू आई इक्वल टू जीरो देन ए इनवर्स इक्वल टू, इसको एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएससी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। बीएससी बीएड की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि द कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x + x² / 5 इज, तो ऑप्शन में है 10 - 20 - 50 या - 30। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 12 PR = 11 P6 + 6 11 P5, तो R बराबर क्या होगा, 6, 7, 5 या 2। नेक्स्ट है, यदि ए बी सी धनात्मक वास्तविक संख्या हैं तो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का मूल क्या होगा। यह क्वेश्चन इतनी बार सॉल्व कर चुके हैं, आप भी कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें रियल नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये सेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, पहले सेट 9th क्लास की बुक में आपको मिल जाएंगे जी। 9th क्लास वाले क्वेश्चन भी कुछ पूछे गए थे और यह क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेबल है। अगर आप डॉक्टर हरी सिंह और एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ई इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स इज, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे कि एक लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 9th क्लास में भी आपको मिल जाएगा कि एक्स इक्वल टू 27 एंड वाई इक्वल टू log 43 देन x² / y इज। उसके बाद ये लिमिट से क्वेश्चन है, 12th क्लास में यह क्वेश्चन था, अब पता नहीं किस क्लास में है। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स की 0 तक है तो 1/x की क्या हो गई, आंसर में -1 है, इन्फिनिटी है, -∞ है या ±∞ है। नेक्स्ट है साइन इनवर्स कॉस 33π/5 का मान क्या है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा कि इस क्वेश्चन को बेस्ट क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करवाऊँ बोर्ड पर, और उसके लिए 1 घंटे का टाइम लगेगा कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dy + √(1 - y²) / 1 - x² = 0 इज, तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। और डिस्क्रिमिनेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एन इक्वेशन इज 0 देन इट्स रूट्स विल बी। तो बीएससी बीएड की हम स्ट्रेटजी बताने की नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि कैसे बीएससी बीएड एंट्रेंस को फाइट की जाए और 30 दिन में कैसे इसकी तैयारी की जाए। तो बीएससी बीएड की तैयारी के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए, आप 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं या किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, यदि एफ एक्स और जी एक्स सतत फलन है तो क्या होगा। इसके बाद यह क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जा चुका है कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस ई एक्स देन d²x / dy² = यह क्वेश्चन में काफ़ी बार बताया था मैंने, और यह क्वेश्चन रिपीटेबल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन रिपीटेबल हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेबल हैं, कई तो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द लाइंस, तो यह बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में है क्वेश्चन पूछा जाता था कि -2/3 = y + 1/-2। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू है, तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता था। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह काफ़ी बार पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जामों में, एसएससी एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1, 2, ……n इज इक्वल टू, कभी कभी जीपी के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, एपी जीपी।
नेक्स्ट है ये इन एफ एन ट्राइंगल ए बी सी ए इक्वल टू सिक्स बी इक्वल टू सी एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू फोर अपॉन फाइव देन इट्स एरिया इज, तो ऑप्शन में 9, 8, 6 या 3। तो आप देख रहे हैं बी एस सी बी एड का पेपर। नेक्स्ट है द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एज। नेक्स्ट है यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं तो इनके ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद यह समीकरण काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है और 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है तो क्या होगा। नेक्स्ट है न्यूटन के नियम लागू होते हैं, यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेबल है। उसके बाद फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है कि फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एफ द करेक्ट रिलेशन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का मध्य स्थिति पर वेग क्या होगा, कम होगा, शून्य होगा, अधिकतम होगा या अपरिवर्तित होगा। उसके बाद है सभी प्रकार से समान दो सरल लोलकों के दोलन आयाम क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं तो उनकी दोलन ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, तो 1:3, 3:1, 1:9 या 1:√3। नेक्स्ट है व्यतिकरण की घटना कब संभव है, द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज पॉसिबल। ऑप्शन में ओनली इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ओनली इन ट्रांसवर्स वेव्स, बोथ इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स एंड नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है द डैम्पिंग फोर्स इज, तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट है द वाइब्रेशन ऑफ द डायफ्राम ऑफ अ माइक्रोफोन आर, यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बता रहे हैं कि हर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं क्योंकि मैं एंट्रेंस पेपर प्रीवियस ईयर के देख चुका हूँ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है द करेक्ट रिलेशनशिप इज, उसके बाद है कि द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज, तो 0, इन्फिनाइट, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आदर्श तरल के लिए श्यानता गुणांक का मान होता है तो 0, अनंत, ऋणात्मक या धनात्मक। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी करंट इज, स्थायी धारा के लिए सांतत्य समीकरण क्या होगा। नेक्स्ट है द टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट इज, तो एल अपॉन आर, आर अपॉन एल, आई अपॉन आर एल या आर एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो निम्नलिखित तरंगों में से सबसे कम तरंग दैर्ध्य की किरण है, और यह क्वेश्चन मैं कहीं सॉल्व कर चुका हूँ, या तो मैंने बीए फार्मा के एंट्रेंस में देखा था या फिर से बीएससी के एंट्रेंस में। तो काफ़ी क्वेश्चन एक दूसरे एंट्रेंस एग्जाम में भी आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म की न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, इन द पोजिशन ऑफ अ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे आई इसे प्रदर्शित करते हैं तो आई इक्वल 0 होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल टू 0 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर आर तथा फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है, तो एफ इक्वल टू 2R, एफ इक्वल टू आर, एफ इक्वल टू 1/2R या एफ इक्वल टू 1/3R। नेक्स्ट द इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज, तो वर्चुअल एंड डायमेंस्ड, रियल एंड डायमेंस्ड, रियल एंड मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेना विच कैन नॉट बाय एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट, तो पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब यह कई बार क्वेश्चन देख चुके हैं हम, यह इसे हमने किसी 2 से 3 एंट्रेंस एग्जाम में देखे हैं, क्योंकि हम लोग इससे पहले MBA, BBA और LLB, BA, LLB और BCom काफ़ी एंट्रेंस पेपर सॉल्व कर चुके हैं और मैंने यह 2 से 3 एंट्रेंस पेपर में देखा है। अगर आप लोग रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को हम कई बार देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेबल हैं जो आपको याद करने ही होंगे क्योंकि यह क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट पेयर बताना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिक ऊर्जा -27.2 eV है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, काइनेटिक एनर्जी विल बी। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर डिपेंड्स इट्स मास नंबर as, तो नाभिक की त्रिज्या आर उसकी द्रव्यमान संख्या ए पर कैसे निर्भर करती है। तो हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देख चुके हैं और क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टी एंड मीन लाइफ पाई इज, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेबल है। यह भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि जीना डायोड का उपयोग होता है, जीना डायोड इज यूज्ड एज। तो अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाई तो बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जिससे कि हरी सिंह और यूनिवर्सिटी रिलेटेड ऑल वीडियो आपके पास आ जाएं। उससे पहले हम स्ट्रेटजी भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है सीबी विधा में धारा लाभ अल्फा तथा सीई विधा में धारा लाभ बीटा में संबंध है। द करंट गेन अल्फा इन सीबी मोड एंड बीटा इन सीई मोड आर रिलेटेड एस,
नेक्स्ट है द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट है, तो नॉर गेट एंड गेट यह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझने का प्रयास करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन बी एच एंड आई है, तो बी एच और आई के बीच संबंध पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन है कि अणुसूत्र C6H12O के कितने समावयवी एल्कोहल होंगे। हिंदी में थोड़ी प्रोनंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नंबर्स ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12OH, क्योंकि 3 साल पहले यह क्वेश्चन देखे थे, 3 साल से मतलब इनका रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो थोड़ी प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप लोग काफ़ी होशियार हैं, आप लोग मैनेज कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ड्राई सेल, शुष्क सेल में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, यह क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। तो KMnO4, MnO2, K2Cr2O7 या K2MnO2। नेक्स्ट है आल लिगेंड्स आर, सभी लिगेंड हैं, तो लूज एसिड है, न्यूट्रल है, लूज बेस है, नन। नेक्स्ट है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पोसेस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज। नेक्स्ट है द एलिमेंट विच इज बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फ्यूचर इज। उसके बाद है बेयर परीक्षण का उपयोग प्रयोगशाला में इसकी पहचान करने में होता है, तो एल्कोहल, दुगंध, ग्लूकोज या एमीन। बेयर टेस्ट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर द डिटेक्शन ऑफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, निम्न में से कौन सा यौगिक सर्वाधिक स्थायी है, तो LiCl, LiI, LiBr, LiF। नेक्स्ट है लेसिगिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, लेसिगिन परीक्षण का उपयोग किसकी पहचान में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रक्त में सबसे महत्वपूर्ण बफर कौन सा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आयनिक होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज पिकलिंग एजेंट, निम्न में से किसका उपयोग पिकलिंग एजेंट के रूप में होता है। उसके बाद पूछा गया है कि बॉक्साइट इज द कंपोजिशन, बॉक्साइट में क्या क्या होता है। फिर उसके बाद तापमान बढ़ाने पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। नेक्स्ट है अणुसूत्र C6H12 के अधिकतम संभव श्रृंखला समावयवी कितने संभव हैं, तो 3, 2, 4 या 5। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आच्छादि शोषक है, सिलिका जेल, एल्यूमिना, किले या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दो गैसें मिलाने पर सफेद घना धुआं देती हैं, ये गैसें हैं कौन कौन सी गैसें हैं यहाँ पूछी गई हैं। नेक्स्ट है एक ईस्टर दवाई के रूप में उपयोग होता है। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चन को देखा और टाइम कम है, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के समीप सबसे कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी, बुध, मंगल या शुक्र, तो बुध सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित बीमारी है, कौन पूछा गया था, और हाइपरमेट्रोपिया इज द सेम एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अग्नि को सही परिभाषित करता है, यह भी पूछा गया था। उसके बाद निम्न में से किसके द्वारा किसी भी प्रकार प्रदूषण नहीं होता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। ऑप्शन में टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल, हॉकी इज राइट आंसर। और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हरी सिंह और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऑल वीडियो आपके पास आएँ। और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। टाइम कम था इसलिए हम लोगों ने यह क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी देखा, धन्यवाद।